बहुत सारे एक्टिविटीज है करने के लिए, तो नए नए चालू हुआ है और अभी मैं हूँ इंदिरा पर। चलो दिखाते हैं क्या क्या एक्टिविटीज है और कैसे होता है और क्या करना पड़ता है। ठीक है चलो। वैसे तो दीघा की सनसेट बहुत अच्छी लगती है, जैसे सूरज अपने घर से निकल के समुद्र के ऊपर ही डूब रहा है, बहुत ही अच्छी नज़ारा है। लेकिन आज थोड़ा स्पेशल हो गया है, आज थोड़ा स्पेशल इसलिए है समुद्र का पानी पूरा नीला है, पूरा नीला रंग है, देख रहे हो समुद्र का पानी पूरा नीला रंग है। ये कभी कभी देखने को मिलता है लेकिन डेली नहीं मिलता है देखने के लिए, कभी कभी मिलता है, बहुत अच्छी लगती है ये और बहुत ही खूबसूरत होता है जब ये पानी का रंग नीला हो जाता है। तो चलिए समुद्र की तरफ जाते हैं। यहाँ करने के लिए तो बहुत कुछ है, वो हॉर्स राइडिंग है, वाटर स्पोर्ट्स भी बहुत कुछ है, अभी हॉर्स दिखाएंगे। बहुत सारा हॉर्स है, 200-300 रुपए में राइडिंग होता है, एक राउंड के लिए 200 रुपए या 150 रुपए ऐसे ही होता है। चलो देखते हैं नीचे कितना सारे, बहुत सारे हॉर्स है यहाँ पर, बहुत सारे है। ये नया हुआ है सब टूटने के बाद, ये देखो बहुत सारे हॉर्स है। ये सब एक राउंड के लिए 200 या 150 रुपया लेता है, इसके साथ आप अकेले नहीं जाओगे, इसके साथ उसका राइडर भी रहता है, उसका जो उसका मालिक है वो भी साथ में रहता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। और समुंदर के बीच में ही ऐसे आइसक्रीम का ठेला लगा हुआ है, हर तरफ आइसक्रीम। और ये है सब वाटर स्पोर्ट्स के लिए, पानी में सब मोटर वाला है, सब चलता है, 10 लोगों का कैपेसिटी है, 10 लोग होते हैं तो ये छोड़ते हैं, एक ग्रुप आता है तो ये इसमें जाते हैं। और भी बहुत सारे हैं, स्पीड बोट है यहाँ पर, स्पीड बोट, बेलून, पैरासूट, बहुत कुछ है यहाँ पर। मैं सामने देख रहे स्पीड बोट जा रहा है एक सवारी लेके, और बहुत सारे स्पीड बोट खड़ा हुआ है यहाँ पर। ये बेलून, ये है बनाना टाइप का बेलून है, बनाना है उसका। और ये सामने है स्पीड बोट, इसमें भी लोग जाते हैं मज़ा करने के लिए, 5 लोगों का कैपेसिटी है ये। और ये शाम हो गया है, अभी निकलना पड़ेगा, लेकिन आज का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था, लोग तरसता है ये नज़ारा देखने के लिए, पूरा नीला आसमान है। और ये दीघा की, दीघा की बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट मित्र कहते हैं।